हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेके एक नई रेसिपी जो है आलू और सिंघाड़ा की टिक्की। सिंघाड़े का जो आटा होता है ना, उससे हम बनाएंगे ये टिक्की। या आप उपवास में खा सकते हैं आपके व्रत में, या फिर नॉर्मल डेज पे ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स में बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है आलू। मैंने बिग साइज जो आलू होते हैं ना, थोड़ा बड़ा साइज का, वो दो बॉइल्ड आलू लिए है और मैं इसे स्मैश करके एक बाउल में ले रही हूँ। स्मैश करके ही लेना है। इस पे मैंने डाला है ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून, ये है जीरा 1 टीस्पून, इसके बाद हम डाल रहे हैं मूंगफली का पाउडर जो है 1/3 कप, ये है सिंघाड़े का आटा जो मैंने 1 कप लिया है। अगर आपके पास भगर या बाजरे का आटा है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। ये है कोरिएंडर लीव्स, ये डाला है सॉल्ट जो 1 टीस्पून है। अभी आपको अच्छे से ये सब जो इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं ना, इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है और इसका एक डो बना लेना है। अच्छे से आटा गून के आपको इसे साइड में रख देना है। ये देखिए मैंने इसे साइड में रख दिया आटा गून के। अभी मैं हाथ पे लूँगी थोड़ा सा ऑयल, 2 ड्रॉप ही ऑयल लेना है, और अच्छे से उसे स्प्रेड कर लेना है हाथों पे। फिर हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे पैटिस। पैटिस का जो आकार होता है ना, वो आपको इसे देना है। पहले तो हम इसके स्मॉल बॉल्स बनाएंगे, अच्छे से इसे गोल कर लेंगे कि इसे कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए ऐसे। उसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, अच्छे से इसे गोल कर देंगे। ये हो गया हमारा पैटिस का आकार। ये शेप मैंने दे दिया। अभी मैंने लिया है ऑयल, ये मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ब्रश से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। ये नॉनस्टिक पैन है तो आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा पैन है तो ऑयल यूज़ कीजिएगा थोड़ा। ये जो पैटिस हमने बनाए ना, वो सारे पैटिस आपको इसमें ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि हमें इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लग रहा है बिकॉज ये जो है ना, ये नॉनस्टिक पैन है। अभी ये ब्रश से मैं पैटिस के ऊपर भी ऑयल लगा के ले रही हूँ, क्योंकि जब हम टर्न करेंगे ना, तो वो टाइम पे भी ये पैटिस जो है वो अच्छे से पक जाए। कैसे, देखिए आपने इसमें आटा यूज़ किया हुआ है तो वो अच्छे से पकना चाहिए, इसीलिए। अभी आप ऐसे ही इसे कुक होने दीजिए, पकने दीजिए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट होने के बाद आप इसे टर्न करेंगे। देखिए इसे मैंने अच्छे से टर्न कर दिया है। अभी आपको धीरे 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 सारे जो पैटिस है ना, वो सारे टर्न करने हैं। डोंट वरी, ये टूटता नहीं है टर्न करते टाइम, बट ऑयल डाला हुआ है ना तो वो आप पे उड़े ना, इसीलिए धीरे से ही उसे टर्न कीजिएगा। सारे पैटिस जो है वो टर्न कर लीजिए अच्छे से। कैसे ना, ये पैटिस जो है वो अंदर से पकना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें आटा डालते हैं तो नहीं तो क्या होगा ना, ऊपर से पैटिस बहुत अच्छे से पक जाएंगे बट अंदर से नहीं पकेंगे। तो इसीलिए आप इसको हमेशा ऊपर से ऑयल लगाना और फिर उसको टर्न करके पका के लेना। अभी मैं दूसरे साइड से भी इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी, और ये मैं उस पर लगा रही हूँ ऑयल। ये देखिए ऑयल लगा रही हूँ मैं इस पर। कैसे है ना, वो आटा होने के कारण वो अच्छे से पकना चाहिए, इसीलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ। 5 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए, ये चेक कर लीजिए। हाँ, ये देखिए ये अच्छे से पक गया है, तो अभी रेडी है ये सर्व करने के लिए। ये जो पैटिस है ना, आप अगर फास्ट है, मतलब व्रत है आपका, तो दही की चटनी बना सकते हैं, या सिर्फ दही के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल डेज पे आप पुदीना की चटनी बना सकते हैं, इमली की, कोई भी चटनी के साथ आप इसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको ये पैटिस अंदर से पक गया है या नहीं वो दिखाती हूँ। ये देखिए ये पैटिस अच्छे से पक चुके हैं अंदर से। इसका टेक्सचर है ना बहुत अच्छा होता है, ऊपर से एकदम क्रंची कुरकुरा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। यूट्यूब के साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी स्टेप वाइज रेसिपीज के पेजेस है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देख के ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।